This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh textbook board, Jamshoro. English book 1 for class 9. Unit number 6, gender equity. 6.2, listening and speaking. हम इस यूनिट में लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटी की प्रैक्टिस करेंगे. Asking for and expressing preferences by giving reasons. Unit number 6.2, listening and speaking. Focus is pe kya hai? Asking for and expressing preferences by giving reasons. यानी अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो जब आप बता रहे हो तो आप अपनी तरजीहात को बताओ कि आप प्रेफर किस चीज़ को कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट के साथ या रीज़न के साथ इस चीज़ को बताना. तो एक्सरसाइज वन क्या है कि वर्किंग ग्रुप्स ऑफ फोर, ईच वन ऑफ यू कैन टेक ऑन द वन कैरेक्टर रोल प्ले सीन. ठीक है, एक एक्ट करना है आपने. एक्ट में आप चार स्टूडेंट रोल प्ले करो, सही है. और क्या इट्स टाइम टू गो ऑन स्टडी लीव, आपको लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए. यू एंड योर फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग हाउ टू प्लान योर स्टडीज इन अ वे दैट यू कैन रिवाइज ऑल सब्जेक्ट्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड बी वेल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स. अब आप ग्रुप में ये डिस्कस करो कि आपको पढ़ने के लिए छुट्टी चाहिए, यानी कि आप प्लान करो कि कितने दिन की हम लीव लें, ताकि हम होता है ना जैसे रेगुलर स्टडीज हो रही होती हैं तो आपकी रिवीजन नहीं प्रॉपर हुई है, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं. तो आप प्लान कर रहे हो कि हम ऐसा करते हैं कि लीव लेते हैं और फिर प्रॉपर तरीके से पूरी रिवीजन करते हैं, जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको स्टडी करेंगे. और किस तरह से करेंगे, कितने दिन में करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, कुछ मैथ्स के टॉपिक या न्यूमेरिकल्स या चैप्टर्स जो भी है, ये सब आप डिस्कस करें. You all want independent study time and also some group study time. इसमें आप सबको अलग अलग भी चाहिए, यानी individual study, जैसे आप अकेले self study करते हो, इसके लिए भी आपको time चाहिए और इसके अलावा group study भी चाहिए. ज़ाहिर है कि आप खुद घर में पढ़ोगे, इसके लिए time manage करना, और इसके अलावा मिल के बैठ के group study करना, इसके लिए भी schedule करना. तो आपने क्या करना है, discuss your schedule, remember to disagree politely, you may use your own names. ठीक है, अब आपने इस सारी एक्टिविटीज़ के अंदर अपनी कॉन्वर्सेशन को बहुत पोलाइट रखना है. अगर किसी चीज़ को नहीं भी आप अग्री करते कि नहीं ये नहीं ये, तो उसको भी पोलाइटली रिफ्यूज़ किया जाता है. आप अपने नाम इस एक्टिविटी में यूज़ करें. ठीक है, और लेट्स सी व्हाट इज़ द एक्टिविटी इन द नेक्स्ट स्लाइड. अब ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने प्रोवाइडेड है यूनिट 6.2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस. जैसे कि आप स्टूडेंट हो जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट हैं, तारिक, सायरा, अदनान, जहर. अब आप अपने नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. जैसे सपोज फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू वांट टू स्टडी टू अर्ली इन द मॉर्निंग, आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू डू सो. कि तारिक को सो जो है वो सुबह का वक्त अर्ली मॉर्निंग टाइम पसंद नहीं आ रहा, कि इस टाइम क्यों सुबह सुबह क्यों स्टडी करें, वो टाइम सेट करो. फिर सायरा का कहती है वन रीज़न इज़ दैट आई एम क्वाइट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली फॉर स्कूल एज इट इज़. एक तो इसकी वजह ये है, सायरा जस्टिफाई कर रही है कि एक तो सुबह उठ के हम स्कूल जाते हैं, हमारी हैबिट में है. सो आई वॉन्ट टू कंटिन्यू द सेम रूटीन ड्यूरिंग द स्टडी हॉलीडेज, इसलिए इसी रूटीन को कंटिन्यू रखते हैं. पढ़ने के लिए हमने ही छुट्टियाँ करनी है तो हम मॉर्निंग में पढ़ लेते हैं. व्हाट डू यू थिंक अदनान, फिर वो अदनान से पूछती है कि आपका क्या ख्याल है. तो अदनान स्टूडेंट वो क्या जवाब देते हैं, यस दैट्स द टाइम द माइंड इज फ्रेश आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप. कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि उस वक्त माइंड बहुत फ्रेश होता है. और स्टूडेंट ये बात बिल्कुल सही है, जब हम सो के उठते हैं मॉर्निंग में तो उस वक्त में बहुत सारा काम ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा स्पीड से. आप बिल्कुल ऑब्जर्व करके देख लीजिए, आप पढ़ो या कोई भी काम करो, अगर आप अर्ली मॉर्निंग में मॉर्निंग शिफ्ट्स में करते हो तो वो काम जल्दी होता है और अच्छा होता है. और अगर आप इवनिंग शिफ्ट्स में करोगे तो उसमें काम की परफॉर्मेंस वैसी नहीं आती. तो
तो कह रहे कि उस वक्त माइंड वैसे फ्रेश होता है, ये अच्छा टाइम है। तो व्हाट अबाउट यू जोहर? फिर वो जोहर से पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है। जोहर कहता है, वेल आई कंटिन्यू विद द अबव डायलॉग बाय एक्सप्रेसिंग योर प्रेफरेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस एंड द सब्जेक्ट दैट यू वुड लाइक टू रिवाइज फर्स्ट बाय गिविंग रीजंस, यूज अ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। अब ये क्या जोहर आगे कह रहा है, वेल आई, यानी जो भी आप उसका ख्याल है, हो सकता है वो इससे अग्री करे, हो सकता है नहीं अग्री करे, जैसे अग्री करे। सो आपने इस तरह के डायलॉग मेंशन करने हैं। पहले आप लिख लें सपोज अपने नेम्स के साथ, या अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में डिफरेंट, जैसे तीन चार लोग हैं तो आप अपने नाम के साथ डायलॉग लिखो कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ठीक है। और अगर आप अकेले भी कर रहे हो तो सपोज कैरेक्टर बना के आप डायलॉग्स लिख सकते हो। फिर उसको लिखने के बाद आप बोल के देखो, उसकी प्रैक्टिस करो। तो डायलॉग राइटिंग की प्रैक्टिस भी हुई और इसके साथ स्पीकिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस भी, ये दो चीज़ें आपकी हो रही हैं इस एक्टिविटी में, ठीक है। तो आपने इसी तरह से इसको कंटिन्यू करना है। स्टार्ट आप ऐसे ले सकते हैं या अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप 12 to 15 डायलॉग्स बनाइए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब देखें एग्जाम्पल्स भी है ना, जैसे आई प्रेफर, प्रेफर का मतलब होता है तरजीह देना, मेरा ख्याल है ये बेहतर है। क्या बेहतर है? स्टार्टिंग आफ्टर लंच, लंच के बाद हम करें। तो फिर इसकी रीज़न दें क्यों भाई। अब जैसे सायरा ने बताया कि हमारी हैबिट भी है, अदनान ने रीज़न दी कि वो फ्रेश माइंड होता है उस वक्त, ये रीजन्स हैं कि मॉर्निंग में क्यों पढ़ना। अगर आप कहते हो मॉर्निंग में तो उसकी रीज़न दें, अगर लंच के बाद पढ़ना है तो उसकी रीज़न दें क्यों। फिर नेक्स्ट आई लाइक स्टडिंग एट नाइट, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि हमसे रात में पढ़ा जाता है, क्यों रीज़न बताइए। फिर आई थिंक वी शुड देन रीज़न, मतलब जो आपका ख्याल है किसी और टाइम, जो भी आपको सूट करे आप वो कहना चाह रहे हो, फिर उसकी रीज़न भी साथ में बताओ। इस तरीके से आपने डायलॉग्स को मेंशन करना, ठीक है। तो इसमें आपने ये नोट किया कि अगर आप किसी चीज़ को बता रहे हो ये चीज़ बेहतर है, तो आपने वर्ड यूज़ किया आई प्रेफर, ठीक है। फिर ये नहीं कि मैं आई मस्ट डू इट, बिल्कुल नहीं यार आई विल नेवर डू इट। इस तरह के अग्रेसिव वर्ड्स यूज़ करने से परहेज करते हैं कॉन्वर्सेशन स्टाइल में। पोलाइट वर्ड्स यूज़ करें, नॉर्मली किसी चीज़ को अग्री करें या डिसअग्री करें। जैसे आई प्रेफर का मतलब मेरा ख्याल है ये बेहतर है, इस तरह करना चाहिए, क्योंकि ऐसे। तो आई लाइक, आई थिंक, आई सपोज, इन माई ओपिनियन, ये चीज़ें आप पहले भी छोटी छोटी फ्रेजेस पीछे भी लास्ट यूनिट्स में कर चुकी हो। तो कन्वर्सेशन में ऐसी छोटी छोटी फ्रेजेस को इंक्लूड करें, इससे आपका स्पोकन स्टेमिना और स्टाइल जो है वो बोलने का, एक्सप्रेशन का स्टाइल वो चेंज होता है, बेटर होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्टर ऑफ